ऐसा कैसे जाएगी? अरे क्या घटना था, तादी अदारी और अदारी और जो घरों में तादी नहीं रखे जा रहे थे, यहाँ तक कि घरों में मातम नहीं करना मना हो गया था। और इलाहाबाद में फिर पता चला था कि घर के अंदर रैली में औरतें मातम कर रही थी, तो वहां पर पुलिस ने तो मातम करने से रोका, उनके साथ मतदी भी थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे यूपी, तो मुसलसल फोन आ रहे थे कि भाई तादियां नहीं रखने दे रहे, तादी नहीं रखने दे रहे, तादी नहीं रखने दे रहे। लेकिन अलहमदुल्ला वो अभी शमीर दिया और कई लोग गए थे, तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई। होम सेक्रेटरी भगत साहब थे वो थे और यहाँ के मिस्टर साहब थे, उनको योगी जी ने उनको अपॉइंट किया कि आप इस मसले को हल करें। तो उन्हीं ने जितने भी जिले थे, जितने भी जिले हैं यहाँ पर यूपी में, सबके डीएम एसएसपी सबको फोन कर दिया गया कि तादियदारी में और घर की बजट में कोई रुकावट नजर आ रही है, रखने की सबको इजाजत है, ताजी अपने घरों में रखें, मातम करें, मजलिस करें। और उन्हीं ने हमसे लिस्ट मांगी, हमारे पास लिस्ट है, वो इत्तेफाक से जो दफ्तर में काम करते हैं नहीं मौजूद है, तो उनके यहाँ लिस्ट मौजूद है, उनका उलमा की लिस्ट दे दी जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन वो वहां के डीएम एसएसपी से जो है फौरन कॉन्टेक्ट करें। और हमारी तरफ से पैगाम भी चला जाएगा सभी ऑडियो के जरिए से और वीडियो के, कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पर कोई परिवार बदमाशी कर रहा हो, तो फौरन उसको हम लोग को इतना दे ताकि हम फौरन यहाँ पर भगत साहब ने भगत जो होम सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है होम सेक्रेटरी की, उनका ये है कि 24 घंटे में किसी वक्त भी आप हमें फोन कर दें तो हम आपके मसले को उसी वक्त हल कर देंगे। घर में ताजिया रखने की इजाजत नहीं मिल रही थी, अलहमदुल्ला वो मसला हल हो गया, सवाल हो गया इंशाल्लाह। उसके बाद कल बहुत फिर लेकिन सत्यजाज असल एहतजाज था वो एहतजाजी के सिलसिले में था, ताजियादारी के ताजिए रखे जाएं, तो अलहमदुल्ला वो उसकी इजाजत मिल गई है। और तमाम इन लोगों के सामने तमाम डीएम्स को, तमाम एसएसपी को उन्होंने होम सेक्रेटरी ने खुद फोन कर दिया, तो मामूली शख्सियत नहीं, होम सेक्रेटरी की मामूली शख्सियत नहीं होती है, तो सबको फोन कर दिया कि किसी सिलसिले में कोई दिक्कत ना आने पाए। और कल उनकी ये जुमले थे, कल 12 बजे दिन तक सारे ताजिए रख दिए जाए, रह जाता है वो बहुत मेन नहीं है क्योंकि उसमें बड़ा मुश्किल है, फर्स्ट चीजें कि 50 आदमी की इजाजत मिल जाए तो वो कौन 50 हो जो आए, सवाल ये सबसे बड़ा पैदा होगा कि वो 50 कौन है जो आए, 50,000 आदमी इस बात की तमन्ना करेंगे उस 50 में हम शामिल हो। तो बहरहाल वो अपनी जगह पर मसाला बाकी है, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि वो 50 की लिस्ट कैसे बनेगी, वो हर एक शिकायत करेगा हमारा नाम क्यों नहीं शामिल किया, हर एक कहेगा हमारा नाम क्यों नहीं शामिल किया, तो उसके सिलसिले अपने साथ उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही पैदा हो जाएगी कि किसका नाम छोड़ा जाए और किसका नाम उसमें दाखिल किया जाए। क्योंकि वो गांव देहात की तो ठीक है कि 50 आदमी की दे दी, उन्हें 85 आदमी रहते ही है वहां, और यहाँ माशाल्लाह 3 लाख की आबादी है, तो 3 लाख में 50 कैसे मुंतखब किए जाएंगे। लिहाजा इस पर हमने ज्यादा इसरार नहीं किया है, बल्कि हमने कहा कि ऑनलाइन जो है मजलिस जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन रहे हैं, लिहाजा इस पर हमारा इसरार नहीं, लेकिन इस पर हमारा कोर्ट में मुकदमा दायर है, दिल्ली में भी दायर है, सुप्रीम कोर्ट में दायर है और इलाहाबाद में दायर है। इंशाल्लाह ये मसला परसों नरसों तो इंशाल्लाह कोर्ट के जरिए से भी इंशाल्लाह कोर्ट के जरिए से हल